तो हम कह रहे कि हम यार इसकी मार्केट कहाँ है, हम कहाँ पे बेचेंगे। मसला कहाँ पे होता है कि हम जो फ्रेश प्रोड्यूस करते हैं हमें मार्केट का ही नहीं पता होता है, हमें टारगेट मार्केट का ही नहीं पता कि हम कहाँ पे बेचेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। अच्छा, अगर हम इसके बेसे उगाने की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं मशरूम का बिज़नेस करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार है, तो ये एक लिस्ट है जिससे बाकी फसलें, सब्जियाँ, बाकी चीज़ें होती हैं ओपन। उसके लिए आपको मिट्टी चाहिए, ज़मीन चाहिए, कह लें कि सेहन के लिए को थोड़ा सा चाहिए, जहाँ पे किचन गार्डनिंग के तौर पे आप लहसुन अदरक कोई भी प्याज वगैरह लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, इसके लिए आपको मिट्टी चाहिए। लेकिन मशरूम के लिए आपको मिट्टी नहीं चाहिए, ये आप ओपन फील्ड में नहीं लगा सकते। जिस तरह बाकी फसलें लगाई जाती हैं ना, उस तरह ये नहीं लगाई जाती। इसके लिए स्पेशल मीडिया, जो एग्रीकल्चर वेस्ट मैंने शुरू में बताया कि चावल की पराली, तूड़ी, गंदम का भूसा, उसके अलावा मकई के जो कोब्स हैं, तुक्के जिसे कहते हैं, उनके ऊपर, यानी इसको उगाने के लिए आपको इनडोर रूम चाहिए, कल्टीवेशन चाहिए, ठीक है, कमरों के अंदर जहाँ पे आप लगा सकें, ये ओपन फील्ड में नहीं हो सकती। इसके लिए सिंपल आपको शॉपर चाहिए, शॉपर के अंदर आप लगा के इसको कमरों के अंदर रख दें बीज लगा के, तो उसकी आपकी मशरूम निकल आती है। उसके लिए फिर आपको टेम्परेचर चेक करने वाले मीटर चाहिए कि आपको पता चले कि इसके कमरे के अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी का क्या चाहिए। वो मीटर आम मार्केट में मिल जाते, साइंटिफिक स्टोर से 400-500 रुपए का एक मीटर मिल जाता है, उसके ऊपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें आ रही होती। जिस तरह मैंने बताया कि ओपन फील्ड में नहीं होती, ये आपका देखे जिस तरह हट होते हैं झुग्गियों वाले, आपने देखा मोस्टली जो झुग्गियों वाले होते हैं उन्होंने हट बनाए होते हैं, किसके, वो सरकंडों के बनाए होते हैं। ये अगर आपके पास कमरा वेस्ट नहीं है आपके पास, तो ये आप इस तरह अपने घर की छत के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर खेत है, खेतों के अंदर आप इस तरह सरकंडे बना के, हट वगैरह बना के, मिट्टी के लपाई वाले कमरे बना के, कच्चे बना के, उनके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपको बहुत हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप एक आम मामूली से कमरों में भी इसकी काश्त कर सकते हैं। इस तरह बांसों के बना के, ये बांसों की लकड़ी, ये भी नहीं आपको लोहे के स्टैंड चाहिए, आयरन के स्टैंड चाहिए, तो आप बांसों की लकड़ियों से भी इसके रैक्स, शेल्फें बना लें। एक तो आपकी कम कास्ट आएगी, आपके उसकी प्रोडक्शन कम होगी, उसके कास्ट को आप ज़्यादा करने के लिए क्या करें, सरकंडे से छत हट बनाएं, उसके बांसों की लकड़ियों से शेल्फ बना लें, शेल्फों के ऊपर आप बैग रख लें, आपकी वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उससे कम हो जाएगी। फिर अगर आप किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो बड़ा हाई फाई, जिसका कोल्ड स्टोर होते हैं, जिसका कोल्ड स्टोर के रूम बनते हैं, उसी तरीके से आप इसकी प्रोडक्शन भी आप बना सकते हैं। इसका बेसिक स्टेप्स क्या हैं ग्रोइंग के, कि पहले इसका खाद बनाना होता है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, वेस्ट से इसकी खाद बनाई जाती है, फिर उसको स्टरलाइज किया, जरासीम से पाक किया जाता है, उसके बाद इसका बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की तह बिछाई जाती है, किस वैरायटियों में डाली जाती है, उसके बाद फिर इनिशियल इसके बनने की हालत को पिनिंग कहते हैं, उसके बाद फिर मशरूम निकलना, आपकी क्रॉपिंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जितनी भी मशरूम पाई जाती है, उसको चार ग्रुप में हम तकसीम करते हैं, या तो वो खाने के काबिल है, या तो जहरीली है, या तो मेडिसिन के अंदर यूज़ हो सकता है, मेडिसिनल पर्पज़ के उसका अंदर यूज़ हो सकता है, या साइको एक्टिव, जिस तरह ड्रग्स का बंदा नहीं आदि हो जाता, जिस तरह फीम, चर्स, जिस तरह बंदा आदि हो जाता है, मशरूम खुम्बी के अंदर भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिसका बंदा आदि हो जाता है, उसकी लत लग जाती है उसको, जब तक वो नहीं खाता वो उसका नशा पूरा नहीं होता, तो इसकी कह लें कि दुनिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन बैन कर दी गई है, लेकिन अंडर द लाइसेंस ऑफ सम एरिया मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसको आप ग्रो कर सकते हैं, ये मेडिसिन में यूज़ होती है, ठीक है। जो खाने की मशरूम है उसमें बटन हो सकती है, नोकी हो सकती है, ऑयस्टर हो सकती है, किंग ऑयस्टर हो सकती है, पोर्ट बेल हो सकती है। इसमें आपको जो रेड कलर की एक, शायद आपको थोड़ा फोकस मेन कार्नर में ना रही नज़र, एमिनेटा उसका नाम है। एमिनेटा ऐसी मशरूम है कि इतनी जहरीली है कि जस्ट आपके अगर ज़ुबान को टच हो जाए ना, आपकी सडन डेथ भी हो सकती है, यानी इतनी जहरीली है। तो लिहाजा जब भी आपको मशरूम कोई मिले, जंगली मशरूम, पहले आपने उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी है कि यार इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, फिर उसके मुताबिक करना चाहिए। ये जिसके कह लें कि
मशरूम्स, ये मशरूम है जिसका नशा लग जाता है, ये वाली मशरूम्स का, इसको इसको बाइंड किया गया है पूरी दुनिया के अंदर इसको। ये मेडिसिनल गैनोडर्मा मशरूम है जो मेडिसन्स कंपनी डीएक्सएन वगैरह इसको यूज़ कर रही है। अच्छा, अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, ये चार पाँच किस्म कल्टीवेट हो गया, बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, किंग ऑयस्टर मशरूम, पोर्टबेलो मशरूम, ये चार पाँच मिल्की मशरूम ये किस्म हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बटर मशरूम लगानी है, इसके लिए आपको 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कब मिलता है आपको? सर्दियों के अंदर। मीन्स यानी जब अक्टूबर का महीने से लेके मार्च, मिड मार्च तक आपको ये मशरूम आप ग्रो कर सकते हैं, आपको मशरूम के लिए फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों के अंदर। अगर आपने ये बटर मशरूम लगाने का आपका प्लान है, लगा सकते, तो आपको जो मंथ का इंतखाब करना है वो आपने अक्टूबर से लेके मिड मार्च, 15 मार्च तक, ये लाहौर, फैसलाबाद या जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये फेवरेबल इन्वायरमेंट हैं, इनके अंदर ये आप लगा सकते हैं ये वाली मशरूम। इसकी जो कीमत है तकरीबन 1000 रुपये 800 रुपये किलो पे सेल हो रही है मार्केट के अंदर। अगर आपने ऑयस्टर मशरूम लगानी है, इसके लिए आपको 14 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए आपको महीने आपने सेलेक्ट करने हैं वो सितंबर से लेके एंड मार्च, सितंबर से लेके एंड मार्च तक आप 14 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ले सकते हैं। इसके ऊपर आप मशरूम ये वाले उगा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप किंग ऑयस्टर मशरूम लगाना चाहते हैं, इसके लिए आपको 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये भी आपको विंटर की कह लें कि सर्दियों के लिए चाहिए, अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक आप ये मशरूम लगा सकते हैं। फिर आ जाएँ मिल्की मशरूम के ऊपर हम बात करें, इसे आप कह लें कि ये गर्मियों की मशरूम भी इसे हम कहते हैं। इसके लिए आपको 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। फिर इसके लिए फिर 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये फिर आपको 28 से 35 कब मिलेगा? यकम अप्रैल से लेके आप कह लें कि सितंबर तक, एंड सितंबर तक, यकम अप्रैल से एंड सितंबर तक आप ये वाली मशरूम उगा सकते हैं। इसको हम गर्मियों की मशरूम भी कहते हैं कि गर्मियों में उगाने वाली मशरूम। इसको उगाने के लिए 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और ये आप इजीली जो पंजाब के अंदर लगा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फार्म जो काम कर रहे हैं, मौसी मारगला मशरूम फार्म इस्लामाबाद के अंदर है, ऑर्गेनिक ये भी इस्लामाबाद के अंदर है, मशरूम टेक कंपनी है वो खुम्बी ये फैसलाबाद के अंदर, SS मशरूम फार्म है यह भी फैसलाबाद के अंदर, ज़री तरक्याती बैंक ऑफ फार्म यह भी इस्लामाबाद के अंदर कर रहे हैं, फार्मर्स फार्म एक सरगोधा के अंदर काम कर रहा है, Q&S लाहौर के अंदर काम कर रहा है, वैली मशरूम ये मरी के अंदर कर रहा है, हाउस ऑफ मशरूम एक फार्म है यह भी लाहौर के अंदर काम कर रहा है। तो ये कुछ मशरूम फार्म है, इसको ये डिफरेंट पूरे मुल्क के अंदर ये काम कर रहे हैं। अभी कराची के अंदर भी 2-3 फार्म ओपन हो गए हैं। यानी जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसके प्रोडक्शन बूस्ट बढ़ती जा रही है, इसका काम बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। जिस तरह आपको पता है स्ट्रॉबेरी आप लेते हैं, 1-2 दिन के बाद वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह क्या होती है? उसमें 90% मॉइस्चर होता है, वो हाईली पेरिशेबल होती है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह मशरूम भी बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है, इसके अंदर पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके लिए भी स्पेशल पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि इसकी लाइफ को रखें, या रेफ्रिजरेटर के अंदर आप इसको रखें, फ्रिज के अंदर रखेंगे फिर इसकी लाइफ 1 वीक तक आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मशरूम सेल नहीं होती, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आजकल आपको पता है K&N's के नगर्स बहुत ज़्यादा, फ्रोज़न बहुत ज़्यादा चिकन वगैरह मिलता है, ठीक है, आपको पता है चिप्स फ्रोज़न आजकल आई, ओपा के फ्राइज़ बहुत ज़्यादा जैसे रेडी टू कुक मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो आप इसके मशरूम के भी नगर्स बना के, जैसे वेजिटेरियन नगर्स हैं वो बना के उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। मशरूम के पिकल आप बना सकते हैं, ठीक है, जिससे अचार है, आपको पता मूली का अचार, सुहांजने का अचार, उसके बाद गाजर का अचार, उसके बाद अचार का, लसूड़े का अचार, इस तरह बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो वेस्ट हैं उनका अचार बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसी का लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका अचार बनाया है, ठीक है, अचार बना के लोग इसकी मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इंटरनेशनल
लेवल पे इंडिया के अंदर दूसरे जो एशियन कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका अगर आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा सरप्लस, आप इसका अचार डाल लें, अचार डालने के बाद उसको सेल करें मार्केट में, एक तो आपको उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, साल साल दो दो साल तक वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, और उसके आपकी एक नई चीज़ प्रोडक्ट भी बन जाएगी। उसके अलावा मशरूम को ड्राई करके उसका पाउडर बना के बिस्किट बना लें बच्चों के लिए, बना लें घर के अंदर केक्स बनते हैं उनके उनके अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं, मशरूम कैंडी बना लें, जिस तरह कैचअप बना सकते हैं, आजकल आपको पता है गार्लिक कैचअप आई हुई है, चिल्ली कैचअप आई हुई है, जिंजर की आई हुई है, जो डिफरेंट फ्लेवर दिए हुए हैं उन्होंने कैचअप्स के, तो इसी तरह हम मशरूम कैचअप के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक नया ट्रेंड होगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये कॉटन इंडस्ट्री के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। टारगेट मार्केट हमारी क्या होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट हम कहाँ गए, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सेल कहाँ पे करें, इसको बेचेंगे कहाँ पे, इसकी जो टारगेट मार्केट है ना वो आपकी कह लें कि मार्ट्स हैं, जो जहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल का सेक्शन, मेट्रो हो गया, कोई भी कैश एंड कैरी कैरीफोर हो गया, वो इधर आपके कह लें कि यानी कि जो आपके इधर गली मोहल्ले के लेवल जो मार्ट्स वगैरह पे आप शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी वगैरह जो परचेज़ करते हैं, जहाँ पे अच्छा फ्रूट वेजिटेबल का सेक्शन है वहाँ पे आप इसको टारगेट मार्केट है, वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। सूप्स वाले, चाइनीज रेस्टोरेंट वाले, पुलाव वाले, ये बहुत ज़्यादा इसके कंज्यूम करते हैं, ये इसको लोगों को खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे इसको दे सकते हैं आप। तो मेन पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे लोग जो भी हम रेस्टोरेंट को देते हैं वो कहते हैं यार कंटिन्यूसली सप्लाई दें हमें, ये ना करें कि आप आज दे रही है, आपने 15 दिन दे रही है, आपके 2 महीने आप मुझे प्रोडक्ट ही ना दें, क्योंकि वो जब एक दफ़ा डिश अपनी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ना मेन्यू के अंदर, तो फिर जब कोई कस्टमर आता है उसके पास नहीं होती, कहते यार अजीब बंदे कभी होती है इसके पास नहीं होती, फिर उसको क्या करते मजबूरी टिन पैक वाली यूज़ करनी पड़ती है। आपको पता है टिन पैक की कोई प्रोडक्ट और फ्रेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर हम लोग अक्सर कहते हैं यार बट की कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो चीज़ जब फ्रोज़न यूज़ करता है तो उसका टेस्ट और होता है, फ्रेश यूज़ करेगा उसका टेस्ट और होगा। फिर हम लोग कहते हैं यार पहले हम दोस्तों के साथ आए थे और उसने तो बहुत अच्छी बनाई थी, आज इसका नकम्मी कढ़ाई बनाई है इसने, किसी काम की नहीं बनाई, हम कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क आ जाता है, उसके मसाला जात में कह लें फ़र्क आ जाता है। तो सेम लाइक इसी तरह होता है कि इसको जब महफूज होती है इसके अंदर जो टिन पैक वाली मशरूम होती है उसके मसाला जात में और फ्रेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो जब भी आप देते हैं वो पहला सवाल आप कहते हैं यार आप मुझे मशरूम तो दे रहे हैं, आप ये बताएं आप 365 दिन साल के मुझे ये सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये मशरूम आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन साइन आता है कि जब भी आप प्रोडक्शन करें कोई भी करें तो आप ब्लैक मेलिंग से एक तो महफूज हो जाते हैं, उसको पता होता है यार ये बंदा फंसा नहीं हुआ, ये मुझे रेगुलर सप्लाई देगा, नहीं तो आप जब एक दफ़ा लेके जाते हैं कहते हैं यार अच्छा यार इसने दोबारा तो आना नहीं है, तो इसको चोरों वाला रेट लगाओ, मजबूर है ये कि क्योंकि इसने देनी देनी है कि क्योंकि ये कहीं और तो बेचेगा नहीं, उसके बाद इसने लगानी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया है, नया बंदा है, तो एक चोरों वाला रेट लगाओ, तो आपको वो मार्केट से रेट नहीं मिलता। उसकी वजह यही होती है कि आपकी कंसिस्टेंटली सप्लाई नहीं होती, आप उसको रेगुलर नहीं यूज़ कर रहे होते, तो इस चीज़ का मेन फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी मार्केटिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से मसले हैं, मार्केटिंग के हवाले से मसले हैं, अवेयरनेस के मसले हैं, टेक्निकल मसले हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि इसको कैसे उगाया जाए लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं इसके पैरामीटर क्या है, इसको मैं कैसे लगाऊँगा, इसको कौन सा मैं मीडिया यूज़ करूँ, इसका टेम्परेचर क्या रखूँ, इसकी ह्यूमिडिटी क्या रखूँ, ये बहुत बड़े मसले मसाले हैं। तो इसके लिए फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उग भी जाती है तो हमें पता नहीं होता यार मैं बेचूँगा कहाँ पर, ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये 4-5 कुछ इश्यूज़ हैं जिसके लिए हमने कुछ आपके लिए आगाही के लिए आज सेमिनार एक वर्कशॉप सी कर रहे हैं, ताकि कुछ लोगों में आप लोगों में एक आगाही पैदा हो, आपके शऊर आए कि ये हम काम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं पका भी सकते हैं। अब आगे हमारे ज़रई बैंक का क्या रोल रहा है अभी तक मशहूर इंडस्ट्री के अंदर, ज़रई बैंक मैं आपको बताऊँ हम 15 लाख रुपये तक इसके ऊपर लोन देते हैं, अगर कोई मशरूम का बिज़नेस करना चाहता है हम 15 लाख रुपए तक इसका लोन देते हैं, ठीक है। अगर कोई इसका बिज़नेस करना चाहता है वो हम आपके मुतलका इलाके की ब्रांच पे चला जाए, हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे ब्रांचिंग नेटवर्क है, उसके अंदर चला जाए एप्लीकेशन फाइल, आपको लोन फैसिलिटी मिल सकती है। उसके बाद फिर आप हमने ZTBL ने इस्लामाबाद के अंदर मॉडल फार्मर्स के लिए आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है।
उसके अंदर हम मॉडल फार्म बना के आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, या आपके पास कोई वेस्ट कमरा है, घर में कोई वेस्ट रूम है, कोई भी है, छत के ऊपर है, कहीं भी है, किचन है, कोई अटैच वाशरूम स्टोर्स है, कोई भी है, आप उसके अंदर ये मशरूम उगा सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, 28 से 35। देखिए बाहर गर्मियों में मोस्टली कितना लोअर के अंदर 44-45 डिग्री तक चला जाता है, ये आउटर होता है, इनडोर हमेशा थोड़ा कम होता है टेम्परेचर, ठीक है, वो आपका इनडोर 35-36 चीज चल रहा होता है, ठीक है, अगर बाहर 44-45 हो तो इनडोर 35-36 हो रहा होता है। जस्ट थोड़ा सा आपने डाउन करना है, वो डेजर्ट कूलर लगा लें, ये लोहरी जो कहते हैं ना वो कूलर जो होते हैं, वो खस्से वगैरह लगा के, उससे क्या होता है, उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है आपकी, कि रेगुलर ज़मीन के ऊपर पटसन की बोरियाँ, जो सेबे वाली बोरियाँ होती हैं, वो बिछा दें, उनके ऊपर पानी गिरा दें, गीला करके उनको फैला दें, या कमरे के अंदर रेत फैला दें, रेत के ऊपर पानी डाल दें, वो रेत पानी ऑब्जॉर्व कर लेगी, वो ह्यूमिडिटी भी होती रहेगी, वो गीली भी रहेगी, ह्यूमिड भी रहेगा, और ठंडा कमरा ठंडा भी हो जाएगा आपका। ये जो मिल्की मशरूम है, इसका टोटल जो लाइफ साइकिल है ना 45 दिन का है, सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर आपके मशरूम आपको मिल जाती है। ये मशरूम लगाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बीज का अरेंजमेंट करना है। जब तक आपके पास स्पान इसका बीज नहीं पहुंचता, आपने तब तक इसकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। जब आपको बीज मिल जाए, क्योंकि इसकी कंपोस्ट 24 घंटे में बन जाए, 24 घंटे में इसका कंपोस्ट रेडी हो जाता है, इससे ज़्यादा आप डिले करेंगे, फर्मेंटेशन हो जाएगी आपके स्ट्रा के अंदर, वो आपका बीज नहीं चलेगा फिर, और डेड हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले स्पान का ऑर्डर करें, ऑर्डर जो भी टाइम देता भी आपको इस तारीख को मिलेगा, उसके बाद जब आपको रिसीव हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस करें। तो मिल्की मशरूम में सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या है, कि सबसे पहले आपने इसका स्पान, आपके इसके बीज का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, भूसा, तूड़ी जैसे गंदम का भूसा, ये लेना है, ठीक है। उसके अंदर ये इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। फिर इसके अंदर एक हम स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, केसिंग मिट्टी की, पीट माउस की, पीट माउस मिल जाए, वेलनगुड नहीं मिलता, आप आम भल वाली मिट्टी ले लें, उसमें चावलों की ऐश, भूजा राख जिसे कहते हैं, चावलों की पराली की राख ले लें, और आम मिट्टी ले लें, और कोकोनट कॉयर जो नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, ये जरी स्टोर से इजीली मिल जाता है, वो इन तीन चीज़ों को आपने गीला करके मिक्स करना है, इससे आपने केसिंग मिट्टी बना लेनी है, ठीक है, ये आपने पहले तैयार कर लेनी है। फिर सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने वो गंदम के भूसे को गीला करना है, पानी के साथ आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आप जब देख लें उसके अंदर 50-55% मॉइस्चर आ गया है। मॉइस्चर आप कैसे चेक करेंगे, आपने रैंडमली भूसे को मुट्ठी में लेना है, लेकर आपने ज़ोर से दबाना है, अगर उसमें से पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, पानी उसके अंदर से टपके, तो मॉइस्चर ज़्यादा है। जस्ट आपके ही हाथ गीले हों कि कोई वत्तर वाली आपने कोई चीज़ पकड़ी है, जैसे ज़मीन में वत्तर नहीं होता, इस तरह की चीज़ आपने पकड़ी है, कोई चीज़ नमी है, उसमें नम है लेकिन इतना पानी नहीं है, वो वाला आपने हिस्सा तब यूज़ करना है, ठीक है। उस हिस्से को आपने गीला कर लिया, गीला करने के बाद उसको आपने किसी ड्रम के अंदर, जिससे आपको पता डीजल के ड्रम, आम जिसमें डीजल लोहे के ड्रम मिल जाते हैं, उसके अंदर आपने इसको रख के पानी की स्टीम देनी है, ठीक है, आपने इसको स्टीम दे देनी है। स्टीम कितनी देनी है, 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम देनी है आपने, ठीक है। स्टीम देने के बाद क्या होगा, इसके अंदर से सारे जरासीम मर जाएंगे। आपने उस स्ट्रा को भर लेना है, इसके अंदर जो बीज की रेशो यूज़ करनी है ना, आपने 4-5% यूज़ करनी है, मसलन 40 ग्राम, देखें परसेंट का मतलब 100 में से 4 ग्राम। आपने 3 इंच भूसा डालना है पहले शापर के अंदर, शापर का साइज़ यूज़ करना है आपने 18x20 का या 18x22 का, यह साइज़ यूज़ करना है। 3 इंच आपने उसके अंदर भूसा डालना है, भूसा डालने के बाद एक लेयर आपने उसके अंदर 40 ग्राम डालना है ना, तो 10 ग्राम आपने उसके अंदर बीज डाल देना है, फिर तीन इंच आपने भूसा डालना है, फिर 10 ग्राम बीज डाल देना, फिर 3 इंच आपने भूसा डालना है, फिर 10 ग्राम बीज डाल, फिर एंड वाली लेयर के ऊपर आपने 10 ग्राम रिमेनिंग आपने डाल देना,
यानी 3 से 4 लेयर आपने 40 ग्राम की बनानी है, 10-10 ग्राम की। उसके बाद ये लेयर में आपने इसके अंदर बीज डाल देना है, ठीक है। जब बैग्स फैद हो जाए 18 से 20 दिन के बाद, ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी थोड़ा सा पिक्चर का इशू है, फिर आपने बैग का मुंह खोल देना है, ऊपर से 1 इंच जो मिट्टी नहीं बताई थी मैंने, वो केसिंग मटेरियल जो बनाया उसकी 1 इंच उसके ऊपर मिट्टी की आपने तय बिछा देना है। लेकिन उस मिट्टी को भी आपने केमिकल से या स्टीम से, जरासीम से पार करना है। वो कौन सा अगर आप है? वो अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्टीम नहीं दे सकते तो ये 2 केमिकल के नाम लिख लें, आप उसके अंदर भूसे को भिगो लें तो तब भी आपका जरासीम से पार हो जाए, फिर आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं। नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मलिन जिसे कहते हैं, जो पोल्ट्री वाली जो पोल्ट्री की मेडिसिन वगैरह ना इंस्ट्रूमेंट, फार्मलिन वहाँ से मिल जाता है। ये 1 लीटर में आपने 20 ml डालनी है, 1 लीटर पानी में 20 ml डाल। और आपने दूसरा केमिकल है मैंकोजिप या कार्बेंजियम, दोनों में से जो भी इजीली मिल जाए, ये जरी स्टोरों से मिलेगा आप, मैंकोजिप या कार्बेंजियम दोनों में से कोई भी मिल जाए, ठीक है। ये आपने 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर डालना है, उसके अंदर आपने 24 घंटे उस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर आपने भूसे को भिगो के रखना है, भिगो के आपने बाहर किसी साफ शीट के ऊपर निकाल लेना है, वो आपका जरासीम से पाक हो गया, ठीक है। उसको फिर आपने छापरों में वत्तर वाली, जब एक्सेसिव पानी ज़ाया हो जाए, आपने वत्तर वाली आ जाए 3-3 इंच की लेयर में बीज का। उसके बाद मिट्टी के जब डाल देंगे, मिट्टी की लेयर डालने के बाद आपने उसका टेम्परेचर 28 से 30 का देना, ताज़ा हवा देनी है कमरे, कमरे की हवा में से एग्जास्ट आपने लगा देना ताकि अंदर की हवा को एग्जास्ट हो सके। तो ठीक 14 दिन के बाद, मिट्टी डालने के 14 दिन के बाद आपकी मशरूम इस तरह पिनिंग में निकलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको मशरूम काटेंगे, फ्रूटिंग आना शुरू होगी, काटेंगे, हार्वेस्ट करें, पैक करें, फिर निकल आएगी हफ्ते बाद, काटेंगे फिर निकल आएगी हफ्ते के बाद, 3 से 4 दफ़ा निकलेगी, उसको पैक करें, पैक करने के बाद आप उसको मार्केट करें। ये एक छोटी सी इकोनॉमिक्स बनाई है। फॉर एग्जांपल आपने 500 बैग बनाने हैं मिल्की मशरूम के, उसके लिए आपको भूसा चाहिए 650 किलो, जो आपका लगा लें कि अगर 15 रुपये किलो के हिसाब से मेरा मिले तो 8450 का मिलेगा। स्पान आपको इसके लिए 40 किलो चाहिए, पॉली बैग 5 किलो चाहिए, रबर बैंड 1 पाव चाहिए, पास्टराइजेशन की खर्चा हम लगाएं 10,000 रुपया, मिट्टी 10,000 की मजदूरी 10,000, बिजली का बिल 10,000, तो सारा खर्चा कैलकुलेट करें तो 88,000 रुपया आपका खर्चा आता है, ठीक है। ब्रोशर की बैक साइड के ऊपर भी लिखा हुआ है 88,000 रुपया खर्चा आता है। तो फी बैग की औसत पैदावार 0.8 किलो, यानी 800 ग्राम फी बैग से पैदावार आए तो तकरीबन ये 380 किलो मशरूम बनता है। तो 500 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में आप बेचें मिडल मैन को, वैसे बेचेंगे 600-700 रुपये की बिकेगी, मिडल मैन 500-400-500 में आपसे खरीदेगा, तो 1,90,000 की आपकी ये मशरूम बनता है। तो आपका खर्चा कितना आया था 88,000 रुपया, उसको माइनस करें तो 1,00,000 रुपये, 6,000 के नियर अबाउट आपको हर महीने की इनकम जनरेट हो सकती है, जब तक हर आपके पास 2 कमरे होने चाहिए जिसमें आप 500 बैग हर 15 दिन के बाद लगाएं, तो आपको तकरीबन हर 15 दिन महीने के बाद 1,00,000 की इनकम जनरेट हो सकती है। कमरे का साइज 10x15। सर आखिरी लम्हात हैं आज की तकरीब के, और आखिरी लम्हात यही होते हैं कि जिसमें सर्टिफिकेट तकसीम भी देंगे। देखिए तो हमने मेहरबानी जी, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਖੀ ਦੇ ਨਾਲ